एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। नोटबंदी के फैसले के पीछे असली मकसद कालाधन रोकने के साथ साथ फेक करेंसी पर भी रोक लगाना था, लेकिन जालसाज अब 2000 रुपए का जाली नोट भी छाप रहे हैं। जाली करेंसी है ये। नोटों का ये जखीरा पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ के पास मोहाली से पकड़ा है। 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 42 लाख रुपए के जाली नोट है ये। 2000 के इन गुलाबी नोटों को देखकर एक बार कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन ये नोट पूरी तरह नकली हैं। हैदराबाद पुलिस ने इस तरह के 100 नकली नोट यानी करीब 2 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। 1000 रुपए का ये फटा हुआ नोट किसी गरीब की जेब से नहीं निकला है, न ही किसी बैंक के बाहर भीड़ की कश्मकश में फटा है, बल्कि ये नोट बरामद हुआ है बांदीपुरा में मारे गए खूंखार आतंकी के पास से। जी हाँ, ये नोट आतंकियों के पास मिला है, जिन आतंकियों के पास जमा काला धन को मिटाने के मकसद से सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। उन आतंकियों के पास ये नया नोट कहां से आया? पाकिस्तान के हमले में हमारे 3 जवान शहीद हुए और इस दौरान एक भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता की गई है। माछिल से ये खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बड़ा आतंकी हमला, आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर किया हमला। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को मार गिराया। हमले में 2 अफसर 5 जवान शहीद। तमिलनाडु के सेलम में बीजेपी के एक नेता काला धंधा कर रहा था, वो भी नोटों का। चौंकिए मत। काले धन का प्रचंड विरोधी और नोटबंदी का प्रचंड समर्थक बीजेपी का ये नेता 20,55,000 के साथ पकड़ा गया। मेक इन इंडिया का अवार्ड पाकर नाम कमाने वाला अभिनव आज जेल की सलाखों के पीछे है। वजह है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उसने नकली नोट छापने शुरू कर दिए।